who has spread many smiles through his noble cause during the pandemic. Or baat jab smile ki ho, I cannot emphasise enough on the importance of oral hygiene. So I rely on habitant white sugar-free with xylitol that helps me keep my teeth healthy as well as have a sparkling smile. I particularly like the spearmint flavour for its strong minty consumption experience. But for now, let's get the Sunday brunch started. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन संडे ब्रंच। ना अभी फिल्मों में इतने नेगेटिव रोल्स कर करके आपने प्रूव कर ही दिया कि आप एक रियल लाइफ हीरो है एटलीस्ट फॉर द पिक ट्वेंटी ट्वेंटी You would be the one. Forget me, I think Sara, India ne a hero. So, on behalf of all of India, a big thank you to you. No, Thank you so much, uh, Kama, for your kind words. Uh, like they say, you know, sometimes God chooses you as a catalyst to do something right in life. So, maybe I was a lucky one, and uh, thank you so much. <laughs> you know, India is a I not और ये आज ही की न्यूज़ आई है कि तेलंगाना में आपके नाम पर एक मंदिर खुला है और आपने सोचा था आपको इतना प्यार मिलेगा या uh, yeah, मैंने देखे सुबह वो विजुअल्स बहुत डर लगता है जब ऐसी चीज़ें देखते हैं कि लोगों का इतना विश्वास आपके ऊपर है और uh, लोग सोचते हैं कि आप को जो भी काम दिया जाए आप उसे निभा पाएंगे तो कंधों पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट मेक्स यू मोर नर्वस और आई uh, थिंक जो प्यार मुझे मिला है वहाँ से खासकर तेलंगाना आंध्रा वहाँ मैं शूट कर रहा हूँ लेटली बहुत सारी फिल्म्स का तो आ, बहुत आ, बहुत कमाल का है यू नो आई थिंक

मेरे भी दोस्त हैं नीति हमारी मुलाकात उनसे भी होगी बहुत जल्द <coughs> और आ, हम लोग खाना वाना बांट रहे थे आ, थाना में कालवा चौक के पास और फिर वहाँ पे हमने बहुत सारी माइग्रेंट की मूवमेंट देखी थी वहाँ लोग पैदल चल रहे थे वो दस दस दिन का खाना बोल रहे थे कि हमें दे दीजिए हम लोग पैदल चलने वाले तो मुझे लगा कि अगर छोटे छोटे बच्चों के साथ पैदल जाएंगे इतनी दूर तो बहुत तकलीफें आने वाली हैं उनको सो वी रिक्वेस्टेड दैम कि अगर आप हमें एक दो दिन की मोहलत देंगे तो हम परमिशन लाने की कोशिश करते हैं और वो पहली दफ़ा हमने उनके लिए स्ट्रगल शुरू किया आई रिम्बर कि मैं जब वहाँ पे थाना ना डीसीपी ऑफिस गया और उनसे गाइडलाइंस मांगे तो उन्होंने बोला कि पॉसिबल नहीं है उनको भेजना और फिर अगर आप दूसरी स्टेट से परमिशन लेके आएंगे हर एक इंसान की परमिशन चाहिए उनके टेस्ट होने चाहिए उनका जो जो स्टेट्स में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं उनकी परमिशन डी की चाहिए तो समझ नहीं आ रहा था कैसे करना है बट एक जुनून था करने का और फिर जब हम उन साढ़े तीन सौ लोगों को कर्नाटका पहली दफ़ा भेज पाए तब हमने सोच लिया कि अभी ये जो जंग है साढ़े तीन सौ तक नहीं ख़त्म होनी चाहिए ये शुरुआत है भेजना है और फिर हमने भेजना शुरू किया और कुछ ही समय में जम्मू कश्मीर से लेकर आप कन्याकुमारी तक ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पर लोगों ने हमें अप्रोच नहीं किया और जो शौक का जो गिनती थी हज़ारों में बदली और हज़ारों वाली कब

एवरीबडी वॉज कूपडअप इन दर होम्स डर से कि हमें कोरोना वायरस ना हो जाए राइट right? हमें वी शुडेंट कम इन टू कॉन्टैक्ट तो आप दोनों को उस बात का डर नहीं लगा बिकॉज यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल हेल्पिंग आउट वो यू नॉट अफ्रे आई थिंक हमें टाइम ही नहीं मिला सोचने का समझने का बिकॉज वी वॉज सो

वो भी समय था जब हमारी गाड़ियों के अंदर माइग्रेंट्स बना के खुद भी भेजते रहे ट्रेनस भेजते थे कई बार कुछ लोग पीछे रह जाते थे पचास तो हम लोग ट्रेन रुका के खड़े होते थे कि भैया रुक ट्रेन आ रही है पचास लोग आ रहे हैं उसको किसी टेम्पो में बिठा के कभी किसी गाड़ी में बिठा के उनको स्टेशन पर या बस स्टॉप पर छोड़ा जाता था समय वो था कि जब बाहर कोई नहीं था जब हमारी गाड़ी निकलती थी कई बार पुलिस वाले भी आपको रोकते थे तो पूछते थे अरे किधर जा रहे हो जब पहली नई नई शुरुआत थी भेजने की तो बोलते थे लोगों को घर भेजने आए सर घर कैसे भेजोगे तो नहीं नहीं सर कोशिश कर रहे हैं जब भेजना शुरू किया तो फिर एक ऐसी लहर जब पूरे देश में पता चले कि भेज रहे हैं और उसके बाद जब हमारी गाड़ी को देखते हैं अरे सर आज किधर गाड़ी जा रही है चाहे आज बिहार जा रही है चाहे यूपी जा रही है तो वो दौर शुरू हुआ सो एवरी थिंग लुक्स लाइक ए ड्रीम नाउ और मैं हमेशा जितने भी हमारे मीनो व्यूअर्स हैं मैं उन सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि हम लोग इक्विप नहीं थे हम लोग ट्रेन नहीं थे कि यह सब कैसे किया जाता है किसी स्कूल में नहीं पढ़ा था कोई सिस्टम नहीं पता था लेकिन बाहर निकले करने के लिए और ये हो गया तो uh, आप भी अगर यू नो बाहर निकलेंगे कुछ करने के लिए फ़र्क नहीं पड़ता आपको आता है नहीं आता लेकिन आप निकलेंगे तो आपको देखेंगे कि बहुत सारे हाथ आपके साथ थामेंगे आपको uh, पता चलेगा कैसे करना और आप सीख जाएंगे uh, जब दूसरों की मदद करने निकलते हैं तब पता चलता है कि आपकी एक्चुअल जो स्ट्रेंथ है वो क्या है सो यू नो आई थिंक दैट्स वॉट आई लर्न थ्रू द होल एक्सपीरियंस एंड आई आई दैट एवरी वन शुड एक्सपीरियंस दैट सो सोनू आप पैंडमिक uh, से पहले भी कोई सोशल कॉज में इन्वॉल्व थे मैं तो पंजाब में मोगा एक जगह वहाँ से बिलोंग करता हूँ मेरे अच्छा। मदर प्रोफेसर थे जो ताज़ा ज़िंदगी बच्चों को फ्री में पढ़ाते आए हैं मेरे फादर की कपड़े की शॉप थी और आज भी है वहाँ पर बॉम्बे क्लॉथ हाउस के नाम पे तो वहाँ पे लंगर लगता है हर वीकेंड्स पे संडे को खिलाते जब हम छोटे थे तो हम बड़े एक्साइटेड होके कोई भीड़ बहुत आती थी, थी तो हम हलवा देते थे रोटी देते थे सब तो तब पता नहीं था कि इसकी क्या अहमियत है जब आप लोगों को देते हो कि वो वो खुश क्यों हैं आज जब हम एक कुछ कर पा रहे हैं तो पता चलता है कि जब आप लोगों के चेहरे पर ख़ुशी लेकर आते हैं तो वो एक्चुअली सच्ची जो बोलते हैं ना जीत वो है और शायद बचपन में जिस स्कूल में हम लोग बड़े हुए जो मदर फादर ने जो सिखाया हम लोगों को नोइंगली अनोइंगली हमने वो क्लासेस सीख ली तो आज इसके कारण हम लोग कर पाए हैं तो हमने सोचा कि चलो यार उन जितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं करें वो जब करने लगे तो एक ऐसी लहर बढ़ी कि वो अभी पूरे देश में कि जिसको कोई प्रॉब्लम है वो मेरे मुझे निधि को फोन कर है कि बचाओ यार हमें ये तकलीफ होगी तो अभी आधे डॉक्टर्स बन चुके हैं जैसे कि एक मेडिकल रिपोर्ट आती है अच्छा अच्छा ये यार बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसको बोलो हम यहाँ भेजो उसको यहाँ भेजो तो ऐसा शुरू हो गया जब उनको शुरू किया तो फिर एजुकेशन जिनकी तकलीफें थी कि यार मेरे, मेरे मदर प्रोफेसर थे उनकी हमेशा बड़ी इच्छा थी कि कोई स्कूल कॉलेजेस हो जहाँ पे पढ़ा सको तो मैं हमेशा एक माइंड में क्वेश्चन मार्क रहता था कि वो नहीं कर पाए पर आज जब लोगों को हम लोग एजुकेशन दे पाते हैं तो वो उनकी बात कहीं याद आ जाती है कि अगर तुम किसी को देना चाहते हो तो उसके परिवार में से किसी को पढ़ा एजुकेशन दे दो तो उसकी आने वाली जनरेशन से जो उनको फ़ायदा फा, होगा तो अभी वो शुरू हो गया तो आ, कर रहे हैं हर रोज़ की डिमांड के हिसाब से यू you नो know, जैसे सब हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं बट आई डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग बट गॉडमेंट कह ऐसे कोई भी है? आपके कुछ लोगों ने या, से से कुछ दिमांग। दिमांग? कौन इंटरनेट वीक हो गया मोबाइल तो टावर्स तो भी लगाए गांव के अंदर सिग्नल नहीं आता तो वो कुछ पानी की टंकी पर बैठे थे पेड़ पर के उनको सिग्नल तो हमने मोबाइल टावर्स लगाए उसमें और एक बड़ी वेट सी डिमांड आई थी मुझे याद है कि जब लॉकडाउन था लोगों को पहुंचा रहे तो एक डिमांड आया था कि एक बंदा बोल रहा है मुझे

अब हमें बड़ी भूख लगी है और okay. संडे ब्रंच भी शुरू करना है तो उस्ताद में क्या स्पेशल है सोनू के क्या फेवरेट्स हैं सो सोनू इज अ वेजिटेरियन एंड ही लव्स द फूड एट उस्ताद

व्हाट इज़ मोगा नोन फॉर वहां पे क्या सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है पहले किसी टाइम पे नेस्ले के नाम से जाना जाता था अभी मेरे नाम से जाना जाता है वैसे तो जब मैं नया नया इंजीनियरिंग करने गया तो लोग पूछते थे कहाँ पे है मोगा तो मैं बोलता मोगा है लुधियाना के पास है फिरोजपुर से पहले तो ऐसा बताना पड़ता है और वहाँ पे नेस्ले फैक्ट्री है ये हमारी इंट्रोडक्शन होती है शहर की बड़ा अभी लोग जानने लगे हैं शहर को वहाँ भी बहुत यू uh, नो you know, खाने के लिए बड़ी कमाल कमाल की चीज़ें मिलती जब आप आएंगे नेक्स्ट टाइम हम लेके जाएंगे आई एम द ओनली वन इन द फैमिली जिसने नॉन वेज अभी तक टेस्ट नहीं किया है मॉम डैड खाते थे उतने बहुत शौक़ नहीं था उनको लेकिन मेरी सिस्टर्स बड़ी शौकीन हैं जब मेरी छोटी सिस्टर हुई तो मेरे एक माइंड में ठाना था कि मैं उसको भी वेजिटेरियन बनाऊंगा और उसे खाने नहीं दूंगा। तो बड़ी कोशिश की बट जब उसने नॉनवेज खाया तो उसके बाद उसने <laughs> नहीं रुकी और माय बोथ माई आर वेरी फॉन्ड ऑफ नॉनवेज तो वो भी खाते हैं तो, भी। वो भी खा लेती हैं और सिर्फ मैं ही वो एक uh, <laughs> जो नहीं खाता हूँ बट आई आई बट आई आई एंजॉय माय माई फूड आल्सो मुझे अच्छा लगता है बट बिन बिना नॉन वेज फूड खाए से डोले शोले कैसे बनते हैं आपका प्रोटीन इनटेक क्या होता है देखिए एक काम है मिथ है कि आ, आपको अगर फिटनेस और बॉडी बनानी है तो आपको नॉन वेज ही ऐसा नहीं है वेजिटेरियन फूड में बहुत सारी चीज़ें हैं हेल्दी जो आप खाकर भी बॉडी बना सकते हैं बाकी थोड़ा सा पंजाब का एक बैकग्राउंड बैकग्राउंड है हमारा मेरे डैड पकड़े थे तो इसलिए कहने कहीं जेनेटिकली भी स्ट्रॉन्ग है तो इसलिए हो जाता है बट

I don't know, आपको ये पता है या नहीं पर मैं गूगल कर रही थी आपके बारे में कर रही थी तब मैंने पढ़ा कि आपको hottest vegetarian का भी एक मिला मिला हुआ है 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 अभी कुछ दिन पहले ही किया कोई <laughs> कोई मंदिर बना रहा है, कोई hottest vegetarian बोल रहा बोल आपको क्या बात है <laughs> और और कहा, उससे भी बड़ा है कि आज आपके साथ खाना खा रहे हो और, और क्या चाहिए <laughs> <laughs> मैं हमेशा नॉनवेज की तरफ ही रहती हाँ, मेरा आदे मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन ही नॉनवेज की तरफ जाता है तो आप आपका वैसे बड़ा कमाल का प्रयोजन है काम है कि आप अगर कभी आप छुट्टी लेना चाहें तो आप मुझे ले सकते हैं अपने चैनल वाले मुझे ले सकते हैं क्योंकि आप जाते हैं इंटरव्यूज के साथ साथ कमाल का खाना भी खाने को मिलता है हमारे दो ही काम है एक तो घूमना फिरना और खाना पीना बताइएगा बताइए आपको एक्टिंग आज... एक्टिंग एक्टिंग में एक्टिंग में 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 ज्यादा मजा आएगा या इस काम कुछ स्ट्रगल है ये काम बेहतर हमेशा सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जब मैं मैं इंजीनियर मैं इंजीनियर बनने गया तो लोगों ने बोला कि दो प्रोफेशन सबसे कमाल के होते हैं एक डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ दो ही प्रोफेशन थे और मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ बनना है <laughs>

नहीं पंजाबियों को क्या होती है वजन घटाने की चिंता खाना खाने के बाद होती है अच्छा। जब पूरा खाना खा लेते पेट भर लेते उसके बाद सोचते हैं वजन घटाएंगे वो तो चिंता उनकी रात तक रहती है जब सुबह फिर पराठे बनते हैं तो थोड़ी देर के लिए चिंता भूल जाते हैं वजन बढ़ाते हैं और फिर वापस चिंता शुरू करते हैं वजन कैसे घटाया जाए तो वी आर पंजाबी सो कैन टेक दैट लिबर्टी चलो आज मैं टेस्ट करूंगी हाउ बिग अ यू ओके चलो लेट्स नाउ प्ले अ फन फूड क्विज ईटोमीटर विच इज प्रजेंटेड बाई है तो अगर आपने फोर और अबाउ आंसर्स करेक्ट दिए यू गो नो विन दिस अमेजिंग हैफेक्ट पोस्ट मील कंपेनियन चलो शुरू करें आपने नागपुर में इंजीनियरिंग किया है ना ओके पहला क्वेश्चन नागपुर के बारे में विच फ्रूट इज नागपुर फेमस फॉर ऑरेंज ओह मैं तो ऑप्शन ओके अमृतसर में एक ढाबा है प्रावादा ढाबा hmm. कौन से साल से वो शुरू हुआ है ओके इट बीन एग्जिस्टेंस सिंस व्हिच ईयर ओके तीन ऑप्शन hmm. है 1912 hmm. 1968 या 2001 यार ये बड़ा मुश्किल है मैं प्रावादा पे खाना भी खाया पर ये नहीं पता था पर मैं एक वाइल्ड गेस मारता हूँ। 1968 गलत 2001 1912, 1912 से 1912 से वाव काफी पुराना है क्या अच्छा हां सिंस यू स्टार्टेड योर करियर विद तमिल मूवीज तमिल एंड तेलुगू मूवीज व्हाट इज द तमिल नेम ऑफ द डिश टमेटो राइस ठीक है इसे तमिल में क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है, तकली सोरू ऑप्शन बी सोरू, ऑप्शन सी मिलागु सोरू सोरू हाँ. तकली। <laughs> चले दो गए ठीक दो <laughs> <laughs> है <laughs> अच्छा एंड चीज इज अ पार्ट ऑफ विच क्विजिक ऑफ पोहा मिक्स वेजिटेबल पोहा और तरी पोहा है नागपुर में आपने काफी वक्त बिताया है क्लियरली <laughs> अच्छा गेस्ट कंपेनियन मतलब इसे आपको कंप्लीट करना है इस डिश का नाम ठीक है रोगन रोगन गोश्त दम आलू पानी जीत गए आप फोर पॉइंट्स मिल गए आपको या यार मैं, मैं सोचा नहीं था मुंबई आऊंगा मुझे कमाल का गिफ्ट मिलेगा। आज लगता है कि जिंदगी की स्ट्रगल पूरी बहुत अच्छा लग रहा है आज आप चलो खाने के बारे में तो पता चल गया अभी आपके करियर के बारे में बात करते हैं कैसा रहा आपका इनिशियल स्ट्रगल और आप नॉर्थ इंडिया से आए और साउथ इंडियन मूवीज कैसे करनी बोलते ना कि बिगर्स आ नाट द तब जब आया था तब पता नहीं था कि क्या से ज़िंदगी शुरू करनी है पंजाब से निकले इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर बने नागपुर में वहाँ से एक्टर बनने के लिए मुंबई आए तब एक साल की मोहलत लेकर आया था पेरेंट्स से कि एक साल में अगर कुछ सेट हो गया तो आ जाऊँगा नहीं तो वापस पंजाब में बिज़नेस शुरू करेंगे और जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे एक साल तो सड़कें पता लगाने में लग गया मुंबई की शहर कौन सी मुझे याद है कि मैं इधर ही यहाँ से पास में कैवरेस्ट बिल्डिंग है फेमस स्टूडियोस है वहाँ पर मैं आके पिक्चर्स दे दिया करता था और इंतज़ार करता था कि कब कॉल आएगा और जब कॉल आता था ऑडिशंस के लिए तो मेरे साथ 200 लोग और खड़े होते थे ऑडिशन के तो पता नहीं था कहाँ तो फिर वहाँ से फर्स्ट तमिल फिल्म मिली मुझे याद है चेन्नई में मुझे मैं गया और पहली फिल्म जब की तो लगा कि हाँ ज़िंदगी की अभी शुरुआत हुई है फिर तमिल की तमिल फिल्म कुछ की तेलुगु की हिंदी फिल्म आई लेकिन Uh, एक जो एक दौर था मुझे लगता है सीखने का मिला वो साउथ से मुझे बहुत सीखने को मिला जितना मैं uh, सिनेमा के बारे में जानता हूँ या जो भी सीख टू गो बिल्कुल और जब आप मुंबई में आए कोई ऐसा आपको याद है कोई आपका फेवरेट हैंग आउट पॉइंट कि जब ऑडिशन में कब सिलेक्ट नहीं हुए और बहुत इमोशनल फील कर रहे हो तो वहाँ जाकर थोड़ा वक्त बिताना नहीं रोज़ ही नहीं सिलेक्ट होते थे रोज़ ही ऐसा लगता था कि आएगा <laughs> लेकिन आ, हैंग आउट पॉइंट कुछ नहीं होता था लेकिन स्टूडियोज़ के आसपास घूमते रहते थे कि कब कोई कॉल आएगा और पहुंच जाएंगे बट आ, लोकल ट्रेनस में बहुत घुमा हूँ मैं तो एक बोरीवली से चर्च गेट का एक पास बना हुआ था स्टैंडर्ड किसी भी स्टेशन पर उतरेंगे किसी भी स्टूडियो में जाकर ऑडिशन देकर आएंगे तो ऑडिशन देने का चाव बड़ा रहता था लेकिन काम नहीं मिलता तो हमेशा एक सवाल रहता था कि क्यों काम तो बड़ा अच्छा करके ऑडिशन दे के पर काम क्यों नहीं मिलता था तो आ, फिर यू नो समय बदला और काम भी मिला और आज आपके सामने

आई so रिमेंबर wow. uh, uh, <laughs> पहला डायलॉग मेरा आज भी मुझे याद है क्योंकि uh, I, uh, कि मैं जाके डायरेक्टर को इम्प्रेस करना है मुझे

ज्यादा ना स्क्रिप्ट रेडी नहीं होते थे तो सेट पे ज्यादा बनाते तो मुझे आदत है प्रॉपर स्क्रिप्ट पढ़ने की फिर उसका कैरेक्टर पे काम का तो जितने मेरे डायरेक्टर से सब टॉप के डायरेक्टर से मैं नाम नहीं लूंगा उनका तो कहते भाई आप हो ना आपको इतना इन इन्ना काम की तो है फर्क ही नहीं पता भाई तुओ कैमरा चालू कराएंगे जो तुझे कर दे रहे हो वही बना लागे पिछड़ा <laughs> तो मेरे को डर लगता था मैं क्या तो फंस जाएंगे तो मैंने इसलिए नहीं कर पाया बट इन पंजाबी लैंग्वेज आईकॉनिक डायलॉग अबाउट छेदी सिंह हम तुम्हें इतने छेद करेंगे ठीक है वैसे मैं आपको बताऊं ये डायलॉग मेरा ही लिखा हुआ है हाँ जी मैंने पढ़ा हुआ so, काफी <laughs> फेमस हो गया ये डायलॉग तेरे जो इतने छेद कराएंगे ना कि कंफ्यूज तो हो जाएगा तुम कि सा कितथों लेवे तो उं <laughs> <वो> कितथों करें ओके तो गाइस ओके वेरी क्विकली वी विल प्ले अ 5 सेकंड फायर गेम एज वेल नेम थ्री वर्ड्स व्हिच यू यूज फ्रीक्वेंटली इन साउथ इंडियन फिल्म्स अन्ना ਹਮ ਅ ਚਾਲ ਬਹਾਉਂਦੀ ਔਰ ਨੀਨੋ ਓਕੇ 3 ਵਰਡ ਯੂ ਸੇ ਵਨ ਯੂ ਆ ਰੀਅਲੀ ਐਂਗਰੀ ਮੈਂ ਯਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਰੀ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਪਰ ਜਬ ਹੋਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆ ਬੋਲਦੇ ਹੋਗੇ ਜੱਟੇ ਬੋਲਦੇ ਜੁੱਤੀ ਲਾਵਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਸ ਉਹਨ ਬਹੁਗਾ ਤੇਰੇ ਕਿ ਕੰਨ ਦੇ ਲਿਆ ਲਫੜ ਮਾਰੂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿਤਨ ਚੋ ਕੰਨਾ ਚੋ ਧੂਆ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ Okay, uh, three things about your life that you're most proud of. I don't know जब मेरी पहली फिल्म की थी तब my mom and dad were very happy और सारे दिन T V पे वही फिल्म लगी रहती थी तो I think that was a very proud moment जब मैंने इंजीनियर खत्म करके mom dad को बोला था कि you know I become an engineer I think that was a very proud moment for them and um, मुझे नंदी अवार्ड मिला था साउथ के अंदर मोस्ट प्रसिजियस अवार्ड और नॉर्थ इंडियंस को वो अवार्ड नहीं मिला किसी को तो आई वाज द फर्स्ट नॉर्थ इंडियन टू गेट दैट नंदी अवार्ड इन साउथ सो आई थिंक दैट वाज वन स्पेशल मोमेंट है आपकी वाइफ इज अ साउथ इंडियन राइट और आपके बच्चों को ज़्यादा साउथ इंडियन फूड पसंद है या पंजाबी फूड दे लाइक पंजाबी फूड बट साउथ इंडियन फूड भी अच्छा लगता है जैसे इडली सांभर डोसा हमारे uh. घर पे बड़ा अच्छा बनता है तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है आई थिंक अ ब्लेंड ऑफ बोथ